प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आस्ट्रो तक पे। आप सब देख रहे हैं टैरो राशिफल विद सुनिधि। बात करने जा रहे हैं 13 जून के राशिफल के बारे में। सबसे पहले लव टिप। अगर आपको लगता है शादी नहीं हो रही है, शादी में देरी हो रही है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको एक पीपल का पेड़ लगाना है अपने आसपास। अगर आपके आसपास ऐसी कोई जगह है, आप सोसाइटी में हैं तो आपके आसपास ऐसा कोई एरिया है जहाँ पेड़ लगा सकते हैं, पीपल का पेड़ लगाएं, उसको खुद पानी दें, उसको खुद जैसे आप खुद आपको उसकी केयर करनी है, खुद पानी देना है, खुद उसको देखना है। इससे क्या होगा, आपके ग्रह खुलने शुरू हो जाएंगे और आपका एक काम बनना शुरू हो जाएगा। और जब पानी देंगे तो आपको यही विचार रखना है कि आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा पार्टनर आ रहा है, आपको भी ऐसा कोई केयर करने वाला इंसान मिल रहा है और आपके जो चीज़ें आपके हक में होना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं हमारी एरीज मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला आज का दिन। कार्ड जजमेंट आया है तो फाइनली आपके हक में बातें होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं, काम आज बनते हुए दिख रहे हैं, मेंटली आज एक रिलीफ मिलेगा आपको, मेंटल टेंशन से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगी। जो बहुत देर से कहीं ना कहीं थॉट्स डिस्टर्ब कर रही थी, कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, चीज़ें आपके हक में नहीं जा रही थी, आज हो जाएगा फाइनली, तो दिन आपका अच्छा है। आज आपको क्या करना है, आज आपको अपने जो भी इष्ट देव हैं आप जिनको मानते हैं उनके साथ बैठिए, 5 मिनट उनको थैंक यू करिए, उनकी पूजा आराधना ज़रूर कीजिएगा। वृषभ राशि टॉरस आपकी बात करें तो पेज ऑफ कप अच्छा कार्ड है, अच्छी दिन है, अच्छी खबरें मिलेंगी, अच्छे काम होंगे, पॉजिटिव आवाज आपका दिन जाता हुआ दिख रहा है और एफर्ट को आज रिवॉर्ड्स भी मिलते हुए दिख रहे हैं। आज भगवान शिव की माँ पार्वती के साथ पूजा उपासना जरूर कीजिए। राशि वालों आपके लिए कार्ड 8 of Cups है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे थे, घर का चेंज, कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ आज आपके साथ दिख रहा है, कोई सिचुएशन भी बदल सकती है तो कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चेंज होगा। अगर एक सिचुएशन बहुत देर से नेगेटिव चल रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज आएगा, तो थोड़ा सा आज का दिन आपको चेंज के टूवर्ड्स लेके जा रहा है, कुछ ना कुछ घर पे या आपके आसपास जॉब में अगर लोग आपके अगेंस्ट है थोड़े फेवर में हो जाएंगे, तो आज आपके लिए मिथुन राशि वाले कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है। आज किसी गरीब जरूरतमंद बच्चे को आज कुछ ना कुछ आप स्टेशनरी का दान जरूर कीजिएगा। कर्क राशि वालों कैंसेरियंस आपके बारे में बात करें तो इस वॉन्ड आपका कार्ड आया है, अच्छी बिगनिंग का दिन है, अच्छा समय है, तो आज कोई अच्छी नींव रखने के लिए बहुत अच्छा दिन है, कोई अच्छा नया काम करने के लिए कर्क राशि वालों आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिला के दिन आपका अच्छा है, अच्छी ऊर्जा रहेगी, अच्छी एनर्जी रहेगी आप में और काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। आपको आज क्या करना है, आज आपको किसी ज़रूरतमंद को अगर आप खीर खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सिंह राशि वालों लियो आपके लिए कार्ड 5 of Swords है, आज थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं, छूट चुकी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया था, जो अपॉर्चुनिटी चले गई, जो लोग चले गए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कंपैरिजन भी आज लियो राशि वालों कर सकते हैं, मन थोड़ा सा नेगेटिव होगा। आज संध्या काल में आप ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। वर्गो राशि कन्या राशि आपके लिए बात करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, पैसों में धन लाभ हो सकते हैं, कोई फीमेल आपको पैसों में मदद कर सकती है, कहीं लोन नहीं मिल रहा था, ये सब चीज़ें आपकी पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं। आज माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर कीजिएगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। लिब्रा राशि वालों आपके बारे में बात करें तो आपके लिए 10 of Pentacles कार्ड आया है, आपके लिए फाइनेंशियल गेन का दिन है। तुला राशि वालों आज के दिन फैमिली के साथ स्पेंड करते हुए, फैमिली पे पैसा अच्छे लिए खर्चते हुए, कुछ ट्रैवल प्लान करते हुए, कहीं घूमने जाते हुए, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। पैसों का सही रूप में आज आप इस्तेमाल करेंगे और इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छा रहेगा। आज संध्या काल में दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा। स्कॉर्पियंस राशि वालों वृश्चिक राशि वालों 6 of Pentacles आया है, फाइनेंशियल गेन का, फाइनेंस संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए, लोन नहीं मिल रहा था, पैसे कहीं उधार लेने थे, पैसों में फंसे हुए थे, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आज फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको निजात मिलती हुई दिख रही है, फायदा होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आज का आपको दान भी धन का करना है, धन का दान किसी जरूरतमंद को जरूर कीजिएगा। धनु राशि वालों आपके बारे में बात करें तो आपके लिए कार्ड हैंग्ड मैन आया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज परेशान हो सकते हैं, कोई ना कोई थॉट को लेके परेशान हो सकते हैं, तो सरेंडर कर दीजिए। जब धनु राशि वालों हम किसी चीज़ के पीछे बहुत भागते हैं ना, वो भी हमसे भागना शुरू हो जाती है, कई बार छोड़ देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए और उसको भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए, तो फिर आपके काम बन जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही दिख रहा है,
जिस भी चीज़ से परेशान है उसको छोड़ दीजिए, उस पर मत ज़्यादा सोचिए, आपके लिए बेटर होगा। आपको आज क्या करना है, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगली राशि के बारे में बात करेंगे, मकर राशि के प्रिकॉन्स थ्री ओ वॉन्ड कार्ड आया है। पेशेंस रखिए, दिन के एंड तक चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। दिन की शुरुआत हो सकता है थोड़ी ढीली ढाली रहे, इतनी ज़्यादा एक्टिव ना रहें। संध्या काल के बाद आपके काम बेटर होते हुए दिख रहे हैं। आज जो भी चीज़ करेंगे उसमें आप पेशेंस जरूर रखिएगा, काम आपके बनेंगे, चीज़ें आपके हक में होते हुए दिख रही हैं। थोड़ी सी उलझने रहेंगी, घर में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, बट सब सॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो उसमें आपको गुस्सा नहीं रखना है, धीरज रखना है, पेशेंस रखना है, चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपको आज क्या करना है मकर राशि वालों, आज आपको भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने हैं। एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि, आपके लिए किंग ऑफ स्पॉट रिवर्स। आज कहीं ना कहीं कोई मेल परेशान कर सकता है, कोई मेल ईगो आपको परेशान कर सकती है, कहीं मेल के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, किसी मेल की आपकी लाइफ में एक डिस्टर्बेंस का कोई कारण बन सकता है। तो आप थोड़ा सा मेंटली आप इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, थोड़ा परेशान हो सकते हैं, तो आज आपको भगवान शिव को चंदन अर्पित करना है। पाइसिंस मीन राशि वालों, आपके लिए आज क्या कहने, टू ऑफ कप्स, तो आपके लिए रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में आज एफर्ट जरूर लगाइएगा, अगर आपसे कोई नाराज़ है उसको आज मनाने के लिए बहुत अच्छा दिन है, कोई दूर चला गया है उससे बात करने के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। मीन राशि वालों, आज आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। रिलेशनशिप कहीं ख़राब थे उनमें आज इनिशिएटिव लीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आज के दिन आप येलो कलर के कपड़े ज़रूर पहनेगा या येलो हैंकी को अपने पास ज़रूर रखिएगा। ये था हमारा टैरो राशिफल, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एस्ट्रो तक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।